है जहां पर थाना नागफनी में चिकित्सा विभाग की टीम पर पथराव करने का मामला सामने आया है। चिकित्सा विभाग की यह टीम नवाबपुरा इलाके में कोरोना संदिग्धों को क्वारंटाइन करने पहुंची थी। पुलिस ने पथराव करने और जानलेवा हमला करने के आरोप में कार्रवाई करते हुए 7 महिलाओं और सहित 17 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधिकारियों की माने तो सीसीटीवी फुटेज के आधार पर सभी को चिन्हित किया गया है। पकड़े गए सभी आरोपियों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मामले दर्ज किए गए हैं। अब तक कुल 17 लोगों की गिरफ्तारी की जा चुकी है, जिसमें 7 महिलाएं हैं, 2 पुरुष हैं। अन्य लोगों के लिए आइडेंटिफिकेशन की जा रही है, सीसीटीवी फुटेज के आधार पर लोगों को ढूंढा जा रहा है, तीन और भी लोग गिरफ्तारी की जा रही है। सर, जो मामला दर्ज हुआ उसमें कितने नामजद और कितने अज्ञात लोग हैं? लिखी जा रही है, इसमें 17 लोग अरेस्ट किए जा चुके हैं। मुरादाबाद का मामला की हम बात कर रहे हैं, जहां पर नागफनी इलाके में चिकित्सा विभाग की टीम पर जो पथराव का मामला सामने आया था, कल आपको बता दें मामला सामने आया था। चिकित्सा विभाग की टीम नवापुरा इलाके में कोरोना संदिग्धों को क्वारंटाइन करने पहुंची थी। इस दौरान पथराव उनके ऊपर किया गया था। पुलिस ने पथराव करने और जानलेवा हमला करने के आरोप में कार्रवाई करते हुए 7 महिलाओं और सहित 17 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें से 7 महिलाएं हैं। आपको बता दें ये बड़ी बात निकल कर आ रही है कि 7 महिलाएं हैं जिन 17 लोगों को गिरफ्तार किया है पुलिस ने। उनमें से पुलिस अधिकारियों की अगर माने, जानकारी जो हमें मिल रही है उस अनुसार सीसीटीवी फुटेज के आधार पर सभी को चिन्हित कर लिया गया है। पकड़े गए सभी आरोपियों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मामला दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी, ये कहना है पुलिस का। तस्वीरों में आप देख सकते हैं 17 आरोपी जिन्होंने चिकित्सा विभाग की टीम पर पथराव किया था।